नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। मतदान पूर्व रात्रि में हुए सलमान हत्याकांड मामले में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा भाजपा प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाए। जल्द कार्यवाही के लिए पूर्व दिग्विजय सिंह द्वारा धरना प्रदर्शन की कार्यवाही की गई है, जिसके बाद भाजपा प्रदेश और खजुराहो सांसद वीरी शर्मा के खजुराहो पहुंचने पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी गौरव सिंह बघेल द्वारा अपने पक्ष में वीडियो जारी कर मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो वहीं अब तक मामले में कार्रवाई न होने के चलते मरहूम सलमान खान की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अरविंद पटेरिया पर सलमान की हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही बताया कि अरविंद पटेरिया ने ही सलमान पर गाड़ी चढ़ाई है। अरविंद को वीडी शर्मा की शय प्राप्त है, मामले में जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रजिया है, मैं सलमान की वाइफ हूँ और अरविंद पटेरिया ही सलमान का हत्यारा है। उसी ने सलमान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और बीडी शर्मा के कहने पर चढ़ाई। इन लोगों को बीडी शर्मा ने सैदे रखी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और जितना भी जो झूठा आरोप लगा रहे हैं राजा के ऊपर ये गलत है। और जो भी वीडियो वायरल कर रहे हैं कट्टा की कहीं कुछ की, ये एक शादी की वीडियो है और कहीं वो कोई ऐसे अपराधी नहीं है, ना कोई ऐसा काम उन्होंने किया है। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, लॉकडाउन से हर चीज़ में उन्होंने गरीबों की राशन पानी से हर चीज़ की मदद की है। और ये सब जो बुंदेली चुगली वाला फैला रहा है ये गलत है, और अरविंद पटेरिया ही जो इसका मेन अपराधी है। इसी अरविंद पटेरिया के कहने पर विक्की बघेल ने और पप्पू अवस्थी ने और राधे उसने इन लोगों ने बारी बारी से एक एक करके गाड़ियां चढ़ाई और ऐसे कुचलते चले गए। और ये सब अरविंद पटेरिया ने बोला था इनको ऐसा करने के लिए, और इन सब लोगों ने ऐसा ही किया गाड़ी से। और अलख राम जी ये सब शामिल हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी, और इन्हें यही खौफ था, डर था कि हम हार जाएंगे, और इन लोगों ने पूरा अंजाम दिया इस घटना को। और सलमान कोई राजा का ड्राइवर नहीं है, वो उनका छोटा भाई है, एक सदस्य है और एक सच्चा कार्यकर्ता है कांग्रेस का, और उसने अपनी राजा को बचाने के लिए और भी अपनी जान दी है, और उन्हें न्याय मिलना चाहिए और अरविंद पटेरिया को सजा मिलनी चाहिए। और बीडी शर्मा जो इसका पक्ष ले रहा है इनको अपने इनके पद से हटाना चाहिए, इन्हें इस्तीफा लेना चाहिए इनसे, और इन्हें सजा रहनी चाहिए, न्याय करना चाहिए, हमारे साथ न्याय हो बस।